लगातार परिषद हुई उसके बाद अभी तक कोविड 2019 की जो लेटेस्ट सूचना है इस प्रकार से है कि अभी तक जो टोटल पॉजिटिव केसेस आए हैं 46 जितने केस आए हैं, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने कल भी समझाया था कि 3 दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री की अध्यक्षता में जो बैठक होती है जिसमें हमारे हेल्थ मिनिस्टर और माननीय डेप्यूटी सीएम साहब भी उपस्थित होते हैं और वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उसमें ये निर्णय लिया गया कि गुजरात में जो हॉटस्पॉट्स यानी कि एक क्लस्टर में झुमके में जो केसेस उभर के आने लगे थे उसके सामने बहुत हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। एक एक्शन प्लान ऑपरेशन कराना था कि जिसमें पूरी एरिया को सील की जाए और वो करने में आया है। एक एक घर जाके मेडिकल सर्वेलेंस की टीम्स वहां पर उनका जो है एक सर्वेक्षण और उनकी मेडिकल टेस्टिंग चेकअप भी करने के लिए एक निर्णय लिया गया था, करने आ रही है। और उसी के साथ ये निर्णय लिया गया था कि जितने भी लोग इसमें जो गाइडलाइंस में इस तरह से हॉटस्पॉट्स के कंटेनमेंट में जो कंडीशन है उस तरह से जो कॉन्टैक्ट में आए हैं या सिम्टमैटिक कोई भी हो, कॉन्टैक्ट में न भी आए हों डायरेक्ट पर जिनको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, फीवर है, सोर थ्रोट, कॉफ, इन सबकी भी टेस्टिंग करनी चाहिए। तो ये एक्टिविटी हमने एक प्रोएक्टिव बड़े पैमाने पर टेस्टिंग किया है और ये हमारी रणनीति थी और इसकी वजह से केसेस की संख्या बढ़ी है, जिसकी हमने अपेक्षा भी पहले से थी कि इस तरह से केसेस निकल के आएंगे तो तुरंत उनको हम ट्रीटमेंट के लिए ले जा सकते हैं और इस तरह से उस विस्तार में बिल्कुल कोरोना एंड कोविड 2019 को हम बिल्कुल कंट्रोल में, नियंत्रण में ला सकते हैं, जिसे हम क्लस्टर के कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी, रूथलेस कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजी कहते हैं, वो उसको हमने अपनाया है। और इस वजह से स्वाभाविक है कि कल भी हमने कहा था कि केसेस बढ़ भी सकते हैं इन एरियाज में और वैसे ही आज हम देखें तो 46 केस आए हैं। ये केस कहाँ कहाँ के हैं? अहमदाबाद के 11, पाटन के 2, वडोदरा के 17, राजकोट के 5, कच्छ के 2, भरूच एक नया सेंटर वहां आमोद से 4 केसेस आए, गांधीनगर में 1, भावनगर में 4, ऐसे कुल 46 केसेस हमारे आए हैं टोटल पॉजिटिव गुजरात में। और अभी जितने ये 308 जे कुल अभी तक पॉजिटिव केसेस हैं 308, इसमें से जिसे हम कहते हैं एक्टिव पेशेंट्स यानी कि जो अभी फिलहाल ट्रीटमेंट में हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसमें 257 ऐसे पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल स्टेबल हैं और 2 पेशेंट्स ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं, वेंटिलेटर्स पर हैं। और अगर टेस्टिंग आपको जिस तरह से बताया गया है, लास्ट 3 डेज से हम लगभग रोजाना हजार संख्या में टेस्टिंग का जो है हम संख्या उसमें एक बढ़ावा लाए हैं। और आज की अगर हम बात कहें तो पिछले 24 घंटे में 978 जितने टेस्ट्स किए हैं हमने और उसमें से टोटल अभी तक 67 पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से कल शाम तक 21 का हमने डिटेल्स यहां रखा था और अभी 46 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। नेगेटिव 635 हैं और पेंडिंग 276 ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। और अभी तक की कुल जो हमने टेस्टिंग की है गुजरात राज्य में शुरू से अभी तक 6738 केस हैं कि जिनका हमने टेस्टिंग किया, जिसमें से 308 पॉजिटिव और 6154 नेगेटिव और जैसे कहा 276 जितने के पेंडिंग है टेस्ट के लिए। और इसके अलावा खास आईएमए के साथ कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री ने और माननीय डेप्यूटी सीएम साहब ने मीटिंग की थी जिसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला था और उसी के फॉलोअप में उसी के आगे उसको आगे ले जाते हुए आज से रोज एक स्टेट लेवल की एक्सपर्ट कमेटी बनी है जिसकी मीटिंग ऑडियो मीटिंग होगी। आज भी उसका शेड्यूल किया गया है और आज लेटर इन द डे 12 बजे जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन साहब वो पूरे इंडिया के जितने भी हेल्थ मिनिस्टर्स हैं अलग अलग राज्यों के उनके साथ और हर राज्य के जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं, सचिव्स हैं, उन सब के साथ भी आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं 12 बजे। उसमें भी वहां से और कोई भी
सूचना मार्गदर्शन वगैरह जो मिलेगा उसका हम लोग अमल करेंगे। इस तरह से अभी तक की ये परिस्थिति है। फिर से सबसे अनुरोध है कि हमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लॉकडाउन के नियम हैं, हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है उसे परिपालन करें उसका। और ख़ास करके हमारे यहाँ जो एल्डरली लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, जो थोड़े बुज़ुर्ग हैं, और अगर उनकी तबीयत कोमॉर्बिड बीपी शुगर वगैरह की तकलीफ़ अगर हो तो भी उनको ज़रा ध्यान से रखें, अलग थोड़ा उनके लिए कमरा घर में रखें, उनको बहुत डिस्टर्ब न करें, और जितना बने उनकी भी न्यूट्रिशियस डाइट वगैरह का हम ख्याल रखें। नमस्कार।